हेलो दोस्तों, आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाला हूं, आप सभी छात्रों को ये अपडेट मिल गई होगी कि आपका जो एसएससी जीडी का रिज़ल्ट है वो ऑफिशियली कब आने वाला है। तो वो मैं आपको पूरी लेटेस्ट सब्जेक्ट बताने वाला हूं। साथ ही छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि एसएससी जीडी में अपनी जो वैकेंसी है वो बढ़ा दी गई है। आप सभी को पता है आपकी 26,000 पोस्टों पर ये भर्ती आ रखी थी। वहीं बात करें इस भर्ती की, जो रिवाइज नोटिफिकेशन जारी करी है वैकेंसी को लेकर, उसमें ये वैकेंसियाँ इंक्रीज कर दी गई है। अब बात करते हैं कि आप सभी कहेंगे का ये पूछना होगा कि इससे कट ऑफ पे क्या असर होगा, कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी या कम जाएगी। तो इससे मैं बता दूं कि आप सभी छात्रों के लिए कि जब आपकी वैकेंसी इंक्रीज़ होती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी वैकेंसी कौन से पोस्ट में इंक्रीज़ हुई है और कौन सी कैटेगरी में इंक्रीज़ हुई है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जिस भी कैटेगरी में आपकी वैकेंसी इंक्रीज़ हुई होगी तो उस कैटेगरी में कॉम्पिटिशन थोड़ा कम हो जाएगा, और जिन कैटेगरी में नहीं होगी तो उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जितने भी छात्र अपनी कैटेगरी के अनुसार वैकेंसी इंक्रीजिंग का नोटिस देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि मेन रिज़ल्ट को लेके, तो रिज़ल्ट आपका बहुत ही जल्द जो आने की संभावना थी वो पूरी हो चुकी है, क्योंकि जो आप सभी का रिज़ल्ट है वो तैयार हो के बन चुका है और जो आपका रिज़ल्ट है वो आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो मैं बता दूं ऑफिशियली जो एसएससी की तरफ से जो नोटिफिकेशन आई है रिज़ल्ट को लेके कि आखिरकार रिज़ल्ट कब जारी होगा, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था उसको रिज़ल्ट को लेके ये अपडेट बताई जा रही है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो जून आ जाएगा 18 को, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जून 18 को आपको ऑफिशियली साइट पर रिज़ल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो।